नमस्कार, मैं अनिल, श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आप सभी का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम शिक्षा में सुनिवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIAI द्वारा संकलित एक रोचक एवं मनोरंजक नवाचार के बारे में आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको अभिनव शिक्षण तकनीक के अंतर्गत महाराष्ट्र के शिक्षकों द्वारा विकसित एक सुनिवेश नवाचार के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है प्रश्न बैंक। इस वीडियो में मैं आपको महाराष्ट्र के हिंदी विषय के कक्षा 3 के पाठक्रमांक 3.3 पाठ का नाम गौरैया मेरी सहेली के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, एवं साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किस प्रकार से इस पाठ में नवाचार को सम्मिलित करके हम कक्षा में क्रियान्वयन कैसे करेंगे। इस बात को भी मैं पूरी प्रक्रिया आपको इस बात की बताऊंगा। अब हम बात करते हैं इस पूरी प्रक्रिया के समय की, जो कि 20 मिनट निर्धारित की गई है, जो कि 30 विद्यार्थी एवं एक शिक्षक के अनुपात के अनुसार निर्धारित है। यदि आपकी कक्षा में 30 से कम या ज़्यादा विद्यार्थी हैं तो आप उनके अनुसार भी समय को निर्धारित कर सकते हैं। अब बात करेंगे इसकी नवीनता एवं उपयोगिता की। तो सहपाठियों के साथ मिलकर पाठ से संबंधित अलग अलग प्रकार के प्रश्नों का निर्माण करते हुए पाठ का पुनर्अभ्यास करते हैं, जिससे समूह सहभागिता का उपयोग होता है तथा पाठ को समझना और भी आसान हो जाता है। यह इसकी नवीनता एवं उपयोगिता। अब हम बात करेंगे इस पूरी प्रक्रिया की, साथ ही साथ यह भी बात करेंगे कि शिक्षक को किन किन चीज़ों का ध्यान भी रखना है। तो शिक्षक सबसे पहले यह सुनिश्चित कर लें कि सभी विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया जा चुका हो पहले से, तभी उनका पुनर्अभ्यास हो पाएगा, एवं सभी विद्यार्थियों को निर्देश दिए जा चुके हों कि वह सभी विद्यार्थियों को प्रश्न बैंक तैयार करना है कॉन्सेप्ट के आधार पर, और इसका कॉन्सेप्ट है संज्ञा विशेषण। संज्ञा विशेषण इसका एक कॉन्सेप्ट है, जिसके आधार पर सभी विद्यार्थियों को प्रश्न बैंक अपने अपने ग्रुप में तैयार करना है। तो पूरी कक्षा को हमें कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर लेंगे। जैसे 30 विद्यार्थी हैं तो हम इनको 7 समूह में विभाजित कर लेते हैं। सभी समूह का एक लीडर भी होगा, जो कि विद्यार्थियों द्वारा चयनित किया जाएगा। उस लीडर का काम यह होगा कि वह सभी विद्यार्थियों से प्रश्न बैंक लेकर एक पूरे ग्रुप की एक प्रश्न बैंक तैयार करेंगे। तो शिक्षक द्वारा यह निर्देश भी होगा कि जब वह प्रश्न बैंक तैयार कर लेंगे प्रत्येक ग्रुप के अनुसार, फिर उन ग्रुप्स में जो प्रश्न बैंक होगा वह एक दूसरे ग्रुप में आदान प्रदान कर दिया जाएगा। आदान प्रदान करने के बाद उन ग्रुप्स में जितने भी विद्यार्थी हैं वह सभी उन प्रश्नों का हल या उत्तर देने के लिए तैयार रहेंगे। और वह प्रश्न किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, अति लघु उत्तरी हो सकते हैं, लघु उत्तरी हो सकते हैं, दीर्घ उत्तरी हो सकते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न भी हो सकते हैं। यह विद्यार्थी पर निर्भर करता है कि वह किस प्रकार के प्रश्न बनाने में माहिर है या बना सकता है। तो अब हम बात करेंगे, उदाहरण से समझेंगे इसको कि किस प्रकार से हम इसको क्रियान्वयन को कक्षा में कर सकते हैं, या कुछ प्रश्नों को भी जानेंगे कि किस किस प्रकार के भी प्रश्न हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं प्रश्न। कुछ प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार के होंगे। जैसे मान लीजिए घोंसला कौन बना रही थी, एक प्रश्न बनाया किसी विद्यार्थी ने, घोंसला कौन बना रही थी, तो इसका उत्तर होगा चिड़िया या गौरैया। दूसरा प्रश्न है चिड़िया लड़की को देख कैसे उड़ जाती थी, तो इसका उत्तर होगा फुर से। इसी प्रकार अगला प्रश्न, चिड़िया की वजह से कौन परेशान थी, लड़की या लेखिका। बहुत हिम्मत वाली और साहसी कौन थी, गौरैया। इस प्रकार के प्रश्न जो है विद्यार्थियों द्वारा बनाए जा सकते हैं, और चूंकि इन प्रश्नों का एक पूरा प्रश्न बैंक तैयार होगा, फिर जब समूहों के द्वारा प्रश्न बैंक हल कर लिया जाएगा तो शिक्षक द्वारा बिना पुनरावृत्ति के सभी प्रश्नों को मिलाकर एक बड़ा प्रश्न बैंक तैयार किया जाएगा, जो कि सभी की व्यवस्थित कॉपियों में लिखा जाएगा। लिखने के बाद इस प्रश्न बैंक का फायदा यह भी है कि वह परीक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सभी प्रकार के प्रश्न भी तैयार हो जाएंगे, एवं प्रश्न तैयार होने के साथ साथ उनका पुनरभ्यास भी पहले एक बार ऑलरेडी हो चुका है। इसके साथ साथ जो प्रश्न बैंक में जो कन्फ्यूज़न या उनको जो दिक्कत आती है वह भी शिक्षक द्वारा दूर कर दी जाएगी एक एक प्रश्न का उच्चारण कराने के बाद। तो मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, यह नवाचारी पसंद आया होगा, और इसी प्रकार के नवाचारी वीडियो में हम आपके सामने लाते रहेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एवं इस ZIIAI YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहें। एवं यदि यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसको लाइक जरूर करें, ताकि आपसे जुड़े शिक्षक साथी इस वीडियो को देख पाएं एवं अपनी अपनी कक्षा में इस नवाचार को क्रियान्वयन जरूर कर सकें।
इसी के साथ मैं आप सभी को ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।